गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो स्वागत करता हूँ आपका बनारस के तीसरे और आखिरी एपिसोड में, जो कि हम आज सुबह सुबह 5 बजे अलार्म लगा के उठ के आ गए हैं गंगा घाट पे, क्योंकि जैसा माना जाता है कि गंगा घाट के किनारे बनारस की सुबह काफ़ी अच्छे तरीके से फील की जा सकती है। तो इसके लिए हम सुबह सुबह उठ के आ गए। आज हम यहाँ पे देखेंगे बनारस की होने वाली सुबह, घाट के किनारे की चीज़ों को, और लेंगे हम बोट राइड। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए और हम आपको एंजॉय कराते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि गंगा काफ़ी मैली हो चुकी है, इसमें स्नान नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी आस्था को और गंगा में आस्था रखने वाले लोग भी यहाँ पे आते हैं और नहाते हैं। आपको यहाँ पे ऐसे दिख जाएंगे। तो ये सामने बहुत सारी बोट खड़ी हुई हैं, इनमें से एक सामने जो बोट दिख रही है उसमें अभी हम बोट राइड स्टार्ट करेंगे। तो शाम के टाइम होने वाली गंगा आरती के लिए ये सारे सामान यहाँ पर रखे हुए हैं और ये ऐसे बने हुए हैं पूरा। डेली शाम को यहाँ पर गंगा आरती की जाती है। तो चलिए अब हम बोट राइड का मज़ा लेते हैं। तो ये है गंगा नदी के दूसरी साइड का छोर, जो काफ़ी दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा है पानी की वजह से। यहाँ आप प्राइवेट बोट का भी मज़ा ले सकते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी एडवांस टाइप की बोट्स होती हैं यहाँ पे। तो लगभग 2 घंटे एंजॉय करने के बाद हम आ गए यहाँ पे लस्सी पीने के लिए और अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू करते हुए। इसके बाद हमने कुछ बनारस के मॉल्स, शहर को घूमा और ऐसे ही रोडों पे तफरी करते हुए हम आगे अपने ट्रेन जर्नी के लिए स्टेशन कैंट स्टेशन या फिर बनारस सिटी जंक्शन पर आगे बढ़ गए। तो इसी के साथ बनारस सीरीज़ यहाँ पर ख़त्म हो रही है। हम वापस अपने शहर को जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये तीनों सीरीज़ काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप वीडियो लाइक कीजिए, अपना फेवरेट पार्ट कमेंट कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे की वीडियो आपको मिलती रहे।